तो गाइस ये है एक इलीगल वॉल्ट और इसके अंदर रखा हुआ है एक इलीगल आर्मर। बट ये इलीगल वॉल्ट इस पब्लिक असेंबली में आया कैसे और क्या मैं इस इलीगल वॉल्ट को ढूंढ पाता हूँ वो सब कुछ तो आप लोग आगे देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन उसके पहले यूट्यूब पे आ चुका है एक न्यू सब्सक्राइब एनिमेशन, तो गाइस फटाफट से आप सब्सक्राइब करके देखो कि आप लोग को एनिमेशन दिख रहा है कि नहीं एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। यार ये मैंगो कॉल क्यों कर रहा है? हेलो हेलो, क्या हाल है भाई? एक दिन से गायब है। बस ऐसे यार, क्यों, क्या हो गया? अरे गोडैम्स में यार एक इवेंट चल रहा है, इसमें हमको बहुत सारे अच्छे से सामान भी मिल सकता है, यूनिक आइटम्स आई है सर्वर में। क्या बात कर रहा है? लेकिन सर्वर में आ। अच्छा, आ रहा हूं, आ रहा हूं। ओके यार, लाइफ स्टाइल में एक इवेंट आया है, वैसे तो बोल रहा था मैंगो, बस चेक करते हैं। चलते हैं फटाफट से अपने वर्ल्ड में, अपने होम पे। बाकी मैं यहाँ पे वर्ल्ड में आ चुका हूँ गॉड एमसी के सर्वर पे और मेरे को जल्दी से जल्दी ना मैंगो से मिलना है, क्योंकि भाई गॉड एमसी में काफी ज्यादा अच्छे अच्छे इवेंट्स आते रहते हैं। तो भाई इस वाले इवेंट को मेरे को जीतना है। इस वाले इवेंट में भाई यूनिक यूनिक आइटम्स आए भाई, लिटरली मतलब अच्छे अच्छे आइटम्स आ चुके हैं इस वाले इवेंट में। तो भाई मेरे को कुछ भी इस इवेंट को जीतना है, मेरे को वो आइटम्स लेने भी है। तो फटाफट से चलते हैं भाई अपने दोस्त के पास एंड पता लगाते हैं कि भाई वो इवेंट कैसा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऐसे मैंगो ने मेरे को बोला था कि लाइफ स्टाइल में वो इवेंट है, बट सब कुछ जाके मेरे को अच्छे से पता लग गया जब मैं उसके पास जाऊंगा एंड शायद मैं उसके पास पहुंचने वाला हूँ। देखते हैं कहाँ पे है वो। हेलो मैंगो, वो यहाँ पे है क्या? तू यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? अरे हाँ, अरे भाई मैंने अभी इस वाले विलेज में आ रखा हूँ वो बेस को छोड़ के। अच्छा, क्यों? मैं ना अभी उसके लिए एक्साइटेड हूँ जो अभी इवेंट होने वाला है। इवेंट चल रहा है ना। वैसे मेरे को एक बात बताओ, मतलब उस इवेंट में ऐसा क्या है कि तू इतना ज्यादा एक्साइटेड है, मतलब क्या है उसमें, मेरे को जानना है भाई चीज। भाई हाँ भाई, इस सर्वर के जो भी एडमिन्स है ना, उन्होंने सबने मिलके ओवरवर्ल्ड एंड और नेदर में अलग अलग एक वॉल्ट बना रखे हैं और उसमें बहुत रेयर आइटम है, कुछ आइटम तो इनलीगल भी है। क्या बात है, मतलब पूरा वॉल्ट बना दिया है? हाँ पूरा वॉल्ट, बहुत बड़ा वॉल्ट जिसके अंदर बहुत ज्यादा इनलीगल सामान है। लेकिन यार वो वोल्ट किसी भी डायमेंशन में हो सकता है, ओवरवर्ल्ड में। समझ गया मैं। हाँ मतलब भाई मैं समझ गया, मतलब ओवरवर्ल्ड में भी हो सकता है, नेदर में भी हो सकता है, या तो एंड में है ना। बट भाई एक एक ओवर वर्ल्ड मतलब एक एक डायमेंशन इतना ज्यादा बड़ा होता है, हम लोग ढूंढे कैसे? ऐसे कुछ तरफ कुछ ऐसा हिंट है क्या कि कहाँ पे वो हो सकता है वो वर्ल्ड? नहीं भाई मेरे को तो नहीं पता यार, फिर तो ढूंढना पड़ेगा हम लोग। मतलब तो देख, मतलब वो भाई कसम से बता रहा हूँ इस बार लेकिन क्रेजी इवेंट आया है गॉड एमसी में। बहुत भाई बहुत अच्छा है, मतलब ये इवेंट मतलब सब लोग पागल होंगे इस इवेंट को जीतने के लिए, क्योंकि भाई इलीगल आइटम तक मिल रहा है ना, तो ये तो भाई कुछ क्रेजी है बहुत। हाँ भाई तभी तो मैं इतना एक्साइटेड हूँ एंड यस, तभी मैंने तुम्हें बुलाया, मैंने तुम्हें बुलाता थोड़ी। चल ठीक है, दोनों मिलकर ढूंढते हैं, दोनों मिलकर आपस में हाफ हाफ बांट भी लेंगे, ठीक है। बट चल पहले पता लगाते हैं भाई कि वो चीज है कहाँ पे, वो वर्ल्ड है कहाँ पे, ठीक है आजा। तो जैसे ही मेरे को सर्वर के इवेंट के बारे में पता लगता है मैं तो निकल जाता हूँ सर्वर को एक्सप्लोर करने के लिए। यार भाई ये मैंगो क्या बंदा है भाई, मतलब इतना लेट बताता है। वैसे तो अभी हम लोग दोनों अलग अलग हो चुके हैं, क्योंकि अभी हम दोनों को सबसे ज्यादा जल्दी स्पीड से ना उस वर्ल्ड को ढूंढना पड़ेगा, या तो उस वर्ल्ड के कोई कोऑर्डिनेट्स या कुछ हम लोग को हिंट चाहिए होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने मैंगो को भी अलग भेज दिया है एंड मैं भी अलग आ चुका हूँ लाइक एसएमपी के दूसरे साइड में आ चुका हूँ। यहाँ पे काफी सारे बड़े बड़े कासल्स है एंड यही पे ना सबसे ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स रहते हैं, मतलब सबसे ज्यादा डेडलेस प्लेयर एंड सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेयर यहीं पे रहते हैं। तो इसीलिए मैं भी इस साइड में आ चुका हूँ, इसमें अभी तक कोई मिला तो नहीं है। मेरे ख्याल से सारे प्लानिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, बट मेरे को अच्छे से पता लगाना होगा कि सब लोग है कहाँ पे, उनकी प्लानिंग क्या चल रही है। अगर मेरे को कुछ पता लगता है ना तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई वो वर्ल्ड जो है उसके अंदर से कि मैंगो बता रहा है कि उसके अंदर काफी सारे इलीगल आइटम्स भी है एंड काफी ज्यादा अच्छे आइटम्स, मतलब समझ लो आप लोग, नॉर्मल सी बात है कि अगर वो वॉल्ट है तो उसके अंदर ऑब्वियसली बात है बहुत सारे आइटम्स होंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक वॉल्ट बहुत बड़ा होता है उसके अंदर काफी ज्यादा अच्छे अच्छे आइटम्स होते हैं। तो वो आइटम भाई जिसको मिलेगा ना भाई लिटरली भाई एसएमपी का पावरफुल प्लेयर बन जाएगा एंड गॉड एमसी का पावरफुल प्लेयर कोई बन जाता है भाई उसके पास काफी कुछ आ सकता है, लाइक कस्टम टूल्स तक आ सकते हैं। तो यार मेरे को चाहिए भाई वो सब कुछ, तो फटाफट से काम करता हूँ, एसएमपी को एक्सप्लोर करता हूँ, ढूंढता हूँ कि कुछ मेरे को मिलता है कि नहीं एंड उसके बाद देखते हैं भाई क्या करना है हमें। जब मैं एसएमपी को एक्सप्लोर कर ही रहा होता हूँ तभी मेरे को कुछ ये देखने को मिलता है। अब भाई देखो तुम लोग को एक पब्लिक सर्वर चाहिए था जो कि मैंने लॉन्च कर दिया है। अब अगर तुम लोग को मेरे साथ खेलना है, मेरे साथ बैठ के वीसी में खेलना है, तो भाई डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, इस सर्वर को भी ज्वाइन कर लेना जिसका आईपी आप लोग को स्क्रीन में देखने को मिल रहा है एंड डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एंड सर्वर 24/7 ऑनलाइन रहता है जावा प्लस पॉकेट के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है। इसमें तुम लोग को काफी सारे गेम मोड्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि स्काई बैटल, सर्वाइवल, लाइफ स्टाइल, आर्केड एंड इवेंट्स काफी सारे। बाकी आप सभी आजा फटाफट ज्वाइन कर सर्वर को एंड खेलते हैं भाई साथ में एंड कुछ अच्छे अच्छे बिल्ड्स करते हैं। भाई यार मेरे को कुछ तो नहीं मिल रहा, मतलब इतने बड़े एसएमपी में घूम रहा हूँ, मेरे को वॉल्ट का कोई अता पता लग ही नहीं रहा है। ये दोनों कौन है? लेकी माइकी, अबे ओए तुम्हारी भैंस क्या, अरे मार क्यों रहे हो भाई, ये क्या सीन है भाई? ये क्या है, ये तेरी भैंस क्या? अच्छा तेरी भैंस क्या बताओ तेरे को, अरे कहाँ गया? ओके ये लोग कर क्या रहे थे यहाँ पे? वो देखो भाग रहे, भाग रहे, वहाँ भाग रहे, रुको पकड़ना दो, उसको पकड़ना दो एक बार। ओके पहले पोशंस लगा लेता हूँ फटाफट से, रुक जाओ ये हील होने दो मेरे को, इनकी तैसी तैसी भाई। बस ये कर क्या रहते हैं यहाँ पे, मेरा वेट ही कर रहता है क्या लोग? रुक जाओ ये गया, टेढ़ी भैंस की यहाँ।
अरे यार ये गंदा मारेंगे। ओके ओके भाग रहा है, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो भाग रहा है भाई। भाग कहाँ रही ओए तेरी मस्का, आ इधर इधर तेरी देखो बताऊं। ओके ओके लेट्स गो यार, उसका टोटम फुल, उसको मैं मार देता यार इजीली, बट वो भाग गया ठीक है। बट ये लोग आए कहाँ से भाई, ये लोग वहाँ पे वेट क्यों कर रहे थे, लोग मेरा ही वेट कर रहे थे क्या। ओके लेट्स गो, टोटम पॉप हुआ इसका भी, ये भाग रहा है ये भाग रहा है। ओके ओके लेट्स गो, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि लोग कर क्या रहते वहाँ पे, तो मेरे को ये पता लगाना है भाई मर कैसे नहीं रहा भाई ये। अभी तो दो टोटम्स के मैंने पॉप किए, ऐसे कैसे ऐसे कैसे। ओके लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, टीम अप कर, वीसी बुला रहे भाई, चलते आ रहे हैं वीसी, चलते रुको यार। ओए माइकी ओए अनोखा भाई, हां अरे भाई मारो मत, वहां पे क्या कर रहे थे भाई, हो गए मेरे, वो तो बता मैंने पॉप कर दिया, बता तो मारना मत भाई बस, ठीक है नहीं मारा बता, चल बता भाई। देखो मतलब आप कल आए नहीं थे एसएमपी में, तो क्या हुआ कल एक मीटिंग हुई थी बहुत ही सीक्रेटली रात को। हां वो पता लग चुका है मेरे को कि इसमें एक इवेंट है, एक वॉल्ट है, ठीक है मेरे को पता लग चुका है वो भाई। उस वॉल्ट के अंदर लगभग सारे इलीगल आइटम है जितने भी माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट करते हैं, तो भाई उसको ऑब्टेन करने का तरीका ही पता ही होगा, फिर तो आपको 10 हेड चाहिए होते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं पता मेरे को, बट उस वॉल्ट के पास हम जाएंगे कैसे। अरे भाई वॉल्ट के पास तो इसलिए जाने के लिए एक सीक्रेट, मेरे को भी ज्यादा तो पता नहीं है, बट इतना पता है एक सीक्रेट जगह है जहाँ पे कुछ कॉर्ड्स रखे हुए हैं, कॉर्ड्स भी नहीं इन लाइक वो कॉर्ड्स थोड़े उसमें रखे हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको भाई, हाँ इन टोटल कॉर्ड्स वो पहली फॉर्म में कुछ रखे हुए हैं, अगर okay. आप उसको सॉल्व कर पाओगे देन आपको कॉर्ड्स मिलेंगे, एंड वो जगह तो मेरे को पता है तो, क्यों पता है भाई, ओए बता दे भाई, मैं बस क्वेश्चन से देख ले, बस कुछ नहीं है। लेकिन उसमें भाई मेरे को भी बराबर का पार्ट, बिल्कुल भाई चलो ठीक है चलो चलो भाई आओ मेरे साथ आओ। तो माइकी की तो बात सुनकर हमें लग रहा था कि माइकी को सब कुछ पता होगा, एंड मैं और माइकी उसके बाद निकल जाते हैं उस बेस में जाने के लिए जहाँ पे हमें वो कॉर्ड्स मिलने वाले थे, एंड काफी टाइम ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम लोग उस बेस में पहुंच भी जाते हैं। बट उस बेस में जाने के बाद हम लोग को पता लगता है कि वहाँ पे हमारे साथ प्रैंक हो चुका है, लाइक लिटरली हमारा पोपट बनाया गया है, वहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं था जैसा माइकी ने मेरे को बताया था। तो यार माइकी को तो लग रहा था कि उसको सच में कोई अच्छे कॉर्ड्स मिल चुके हैं, बट वो यार कुछ नहीं था, बस जो भी उसको कॉर्ड दिया गया था भाई वो बस उसको बेवकूफ बनाने के लिए था और कुछ नहीं भाई, मैंने देख लिया है बेफालतू में भाई मेरा ही पोपट हो गया भाई। मैं तब यहाँ से निकल चुका हूँ, मेरे को यार फिर से मतलब अपने दोस्त को ढूंढना पड़ेगा, मैंगो को जिसके साथ मैंने स्टार्टिंग करी थी इन सब चीज़ों की, क्योंकि मेरे को मैंगो ने ही पहले बताया था इस इवेंट के बारे में, एंड गॉड एमसी में काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स चलते रहते हैं, तो भाई देखो इवेंट में भाई देखो कुछ तो अच्छा करना ही पड़ेगा मेरे को, है ना। तो भाई कुछ भी हो जाए मेरे को सबसे पहले वो ढूंढना पड़ेगा उस वॉल्ट को, क्योंकि भाई उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे सामान रखे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे टूल्स आर्मर्स है, तो भाई वो मेरे को ही चाहिए। बाकी यार मैं अभी तो यहाँ से निकल चुका हूँ, बाकी मैंने मैंगो को बोला भी था बीच में कि भाई मेरे को तेरे से मिलना है, तू कहाँ पे है, क्योंकि हम लोग दोनों काफ़ी टाइम से अलग अलग होकर ना इस पूरे एसएमपी को पूरे वर्ल्ड को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं हम लोग को कहाँ पे कौन सा हिंट मिल जाए, बट मैंगो मेरे को अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है, शायद उसका नेटवर्क कनेक्शन का कुछ दिक्कत है या उसको कुछ मिल गया है, मेरे को इग्नोर कर रहा है, मेरे को अच्छे से पता लगाना है। तो अभी तो मैं पूरे एसएमपी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एंड मैं अभी एसएमपी के उल्टे साइड में आ चुका हूँ, देखते हैं मेरे को मैंगो कहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि इसी साइड में मैंने मैंगो को भेजा था एंड मैं अपोजिट साइड में गया था, तो देखते हैं भाई मैंगो मेरे को कहाँ पे मिलता है, क्योंकि मैंगो मेरे को अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। बट जो भी है मेरे को कुछ भी करना जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा, मेरे को मैंगो नहीं भी मिलता है थोड़ी देर ढूंढने के बाद भी तो मैं उसको छोड़ दूंगा, एंड मैं खुद ढूंढने में लग जाऊंगा, क्योंकि मेरे को सबसे जल्दी ढूंढना है, क्योंकि एसएमपी में काफी ज्यादा प्लेयर्स जो है एक्टिव है जो कि ढूंढ रहे हैं उस वर्ल्ड को। तो उसके बाद मैं काफी देर तक एसएमपी को एक्सप्लोर करता हूं, तभी मेरे को कुछ ये देखने को मिलता है। ओए वेट यहां पे किसी का नेम टैग दिखा है मेरे को, एंड ये ब्लॉक्स लगा लगा कौन गया भाई नीचे, एक सेकंड रुक जाओ चलते हैं भाई एक बार। ओके और ये देखो ये देखो ये देखो, अरे मैंगो बॉन्टेल, व्हाट ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैंगो एंड बॉन्टेल ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई। बॉन्टेल भाई आपको कुछ मिला है क्या, वोल्ट वगैरह कुछ? यार वोल्ट तो नहीं मिला मेरे को, बट लूट मिली है, मतलब एक जगह में गया था वहाँ पे मेरे को एनचांटेड एप्पल मिले हैं काफी सारे भाई। अच्छा देना थोड़े एनचांटेड, ये कौन है? हेलो दोस्तों कैसे हो, ठीक हो? अबे इसको कौन यहाँ बुलाया भाई? भाई किसी ने नहीं बुलाया, बस मैं आ गया यार। एंड मैंगो भाई क्या दिक्कत है भाई तेरे को, भूल गया क्या मैं तेरा टीममेट हूं भाई? पता रिस्पांस करना बंद कर दिया भाई तूने तो, भाई तो नहीं है पर हां बताओ क्या काम था भाई? काम तो कुछ नहीं, बाकी मैंने बॉन्डल की कुछ मस्त बात सुनी। बॉन्डल भाई तू भी तो दोस्त है मेरा पहले का, सुन रहा है भाई? चले जा भाई इसको, भाई सुन भाई, वो मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, देख 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 बॉन्डल भाई देख, सुन। अरे सुन तो सही, देख हम लोग को एक अच्छा वॉल्ट ढूंढना है, ठीक है, जो मेन वॉल्ट है,
एंड तेरे को छोटे मोटे वॉल्ट से भाई देख एंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिला है, तो अगर वो हम में थोड़ा सा बट जाता तो मजा नहीं आ जाता है? चल हमें, अबे तू खुद को मत जोड़ हमें, मैं और मैंगो है, बस मैंगो इधर आ मैं। अरे मैंगो मेरा टीममेट है भाई, तू मेरे को ही थोड़ा बहुत दे दे यार, ऐसी कैसे बात है। मैंने कुछ नहीं है टीममेट भाई, देख मैंने सुन लिया तेरी बात, ठीक है, एंड हम लोग तीन मिनट में वॉल्ट ढूंढ सकते हैं भाई, स्पीड से जल्दी ढूंढ लेंगे भाई, कैसी बात कर रहा है मैं, ओए तेरी भैंस का मेरे ले लिया मैंने, मारो 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 चल, लेकिन मारूंगा भी मारूंगा मैंगो, तू भी भाई क्या है, अबे मारो मेरे एनचेंटेड एप्पल, अरे उसको एप्पल दे उसको ना मरेगा भी एप्पल, ओए ओए मेरी बात सुन, देख 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 मेरे पास एप्पल दे उसको, सुन तो सही, मेरे पास एप्पल है, मेरे को मारते रह जाओगे फालतू में, सुन ले वांटेड भाई, देख ऐसी बात है, छोटा मोटा बस ये यही तो मिला है तेरे को, ठीक है, और हम लोग को ढूंढना है उतना बड़ा वर्ल्ड, तेरे को पता है गॉड एमसी में कितना बड़ा वर्ल्ड बना है ना मैंगो, जो कि तूने बताया था मेरे को साले, मेरा टीम मेट छोड़ रहा है तू, वो एडमिन ने बनाया भाई, जिसने बनाया है वो ढूंढना हम लोग को, पता बंदे ऐसे ढूंढ सकते बंदा, तू ट्रस्टेड भी नहीं है भाई, एक ट्रस्टेड हूं भाई मैंगो को, भाई दोस्त भाई मेरा ये, तू भी दोस्त है भाई, कैसी बात कर रहा भाई, भूल गए थे जल्दी, फायदे के लिए आ जाता है भाई, फायदा देख कुछ फायदा नहीं है, देख हम लोग तीन मिनट ढूंढेंगे ना तो बहुत जल्दी ढूंढ सकते हैं, समझ रहे, हम लोग को बड़ा वॉल्ट ढूंढना है भाई, ये सिर्फ गोल्डन एप्पल में क्या कर लेंगे बता, एंड मैं तेरे को इसलिए बोला क्योंकि तुम्हारा दोस्त था ना, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, फिलहाल के लिए टीममेट नहीं था तो मेरा, बट ठीक है दोस्त है ना हम लोग, ओए वंडल भाई जो तेरे पास इतने सारे एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल बांट दे भाई, बांट दे चल आ जा, क्या कहता है मैंगो, अरे मैंगो छोना, ओए ओ हां कर ले, धमका नहीं रहा भाई कुछ उसको, मैं चल दे कितने दिया भरोसा नहीं है क्योंकि देखो मैंगो ने मेरे को धोखा दिया, धोखा तो क्या ही दिया है, मतलब उसने जब उसको एक न्यू टीममेट मिल गया था उसने मेरे को लाइक कुछ बताया भी नहीं, ठीक है, उसको बहुत ही अच्छा सामान मिला था बॉन्टेल से, लाइक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल जो कि मैंने अभी ले लिया, 33 है मेरे पास, एंड अभी हम लोग वापस सभी लोग अलग अलग हो चुके, सभी लोग हम लोग अलग अलग ढूंढना है, मैं तो बस उनसे दोस्ती इसीलिए लगा रहा था जिससे मेरे को ये एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल मिल सके, क्योंकि भाई ये आगे जगह बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। ओके यहाँ पे कोई है नहीं, यहाँ पे तो कोई है नहीं, बाकी यहाँ पे कुछ सलकट रखे हुए, एक काम करता हूँ मैं इनको चेक करता हूँ इनके अंदर क्या देखने को मिलेंगे, बाकी मैं चाहता तो मैंगो एंड इनके साथ भी आ सकता था, बट मेरे को उनके ऊपर भरोसा नहीं है क्योंकि भाई देखो मैंगो ने ना मेरे साथ बात करना बंद कर दिया था, क्या पता उनके अंदर कुछ ऐसा चीज हो लाइक उनको वो वर्ल्ड खुद ही ढूंढना है, खुद ही रखना है अपने पास, पता नहीं। बाकी ये क्या बना हुआ भाई यहाँ पे, माइनिंग वाइनिंग का एरिया है क्या ये? बाकी मैं घूमते घूमते यहाँ पे आया एंड ये अलग ही भाई, भूल भूले जैसे लग रहा है मेरे को, क्या है भाई ये मेज है क्या, क्या है वो समझ नहीं आ रहा मेरे को भाई, इसको थोड़ा सा देखते हैं समझते हैं कि भाई इतने सारे यहाँ पे गड्ढे गुड्ढे क्यों बने हैं, ये माइनिंग का एरिया ये क्या कुछ बना रखा है भाई, भूल भूलैया पता नहीं क्या बना रखा है, बस चेक करते हैं यार इसको, अरे गाइस बहुत कुछ तोड़ फोड़ तो लोगों ने किया है ना भाई, इतना अगर इस जगह को अगर इतना माइन किया है ना, मतलब जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है, एक काम करता हूँ एंड एप्पल मांग थोड़ा आगे चलता हूँ, आगे जाकर थोड़ा देखता हूँ कि भाई इसमें क्या है, क्योंकि भाई इतना बड़ा एक लाइक पूरा एक मतलब क्या बोल भाई, इतना ज़्यादा एरिया यहाँ पे लोगों ने माइन किया है तो जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलने के चांसेस हैं, बट मेरे को नहीं पता क्या है क्या नहीं है, बट यार मैं जा रहा हूँ फिलहाल, देखते हैं बाकी क्या देखने को मिलता है हमें, भाई कुछ समझ तो नहीं आ रहा है मेरे यार, बट तो रहा हूँ थोड़ी, अरे ओए ये क्या सीन है भाई यहाँ पे, अच्छा गड्ढे गुड्ढे बने और बेडरॉक, अच्छा शायद नीचे वाले लेवल पे आ गया मैं शायद बहुत ज़्यादा, एंड ये क्या बना भाई यहाँ पे कुछ है क्या सामने, ओए क्या ये सॉर्ड, ओ व्हाट द हेल गाइस ये देखो भाई चारों तरफ बेडरॉक है, अच्छा बेडरॉक है ना, हाँ यार बेडरॉक है, क्या बात कर रहा हूँ भाई मैं, चारों तरफ बेडरॉक भाई ऊपर नीचे आगे पे सब, एंड ये क्या है सॉर्ड, ये क्या मतलब भाई यहाँ पे सॉर्ड रखने का, 5 सॉर्ड क्या मतलब, ये कोई क्या मतलब यार, ये कोई टास्क है क्या भाई, समझ नहीं आया, मेरे को लग तो रहा है कि भाई देखो यहाँ 5 ऐसे रखे हुए नॉर्मल सॉर्ड है ये, तो क्या पता ये टास्क हो सकता है, मेरे ख्याल से कुछ हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर मैं इसको सही से आगे पीछे रोटेट करूँ तो, यार कैसे मिलेगा कुछ ऐसे, मेरे को शायद यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाना होगा या तो कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद जाके शायद मेरे को कुछ देखने को मिल सकता है, बाकी चेक करते हैं, ठीक है ओके ओके, यार इस साइड कर दिया मैंने, कैसे करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा,
यार थोड़ा बहुत मैं समझने की कोशिश करता हूँ इसको कि एक काम करते हैं, इधर हो गया इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, इसको ऊपर करते हैं एंड इनको अगर मैं ऐसे नीचे करूँ तो कुछ होगा। ओए व्हाट, वो एक पेपर मिला मेरे को एंड इसके अंदर कुछ कॉर्ड्स लिखे हुए हैं। ये पेपर, ये पेपर मेरे पास थोड़ी था, कैसी बात कर रहा हूँ मैं भाई, जाऊँ क्या इसमें मैं एक बार? अरे ये कॉर्ड्स मेरे को यहीं से मिले ना, वैसे कुछ तो मैंने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है बट ठीक है जो ही बना है, क्योंकि यहाँ पे एक पेपर मिला है इसके अंदर कुछ कॉर्ड्स है। भाई चलता हूँ फटाफट से, मैं चेक करता हूँ कि इसके अंदर क्या देखने को मेरे को मिलता है। तो एक टास्क कंप्लीट करने के बाद मेरे को फाइनली एक कॉर्ड मिल जाता है और मैं निकल जाता हूँ उस कोऑर्डिनेट में जाने के लिए। ओके यार मेरे को शायद जो है कॉर्ड्स मिल चुके हैं, मतलब इसी वाले एरिया में आना था क्या मेरे को, मतलब कॉर्ड्स में तो यही है। बाकी चलते हैं नीचे यार, देखते हैं कि नीचे अगर मेरे को क्या देखने को मिलता है। एंड मेरे ख्याल से भाई देखो यही वाला वो एरिया है, बट यहाँ पे तो भाई कुछ घर वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पे मेरे को कैसा हिंट या क्या मतलब कैसा इलीगल वर्ल्ड मिल सकता है यहाँ पे, तो भाई कुछ समझ नहीं आएगा। यहाँ पे जाने आने का रास्ता तो नहीं है ना यहाँ पे आसपास से, बाकी यहाँ पे एक दो घर मेरे को देखने को मिल रहा है, पहले मैं वो चेक करता हूँ। तो इस पूरे एरिया को चेक करने के बाद मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे जाता हूँ तभी मेरे को कुछ ये देखने को मिलता है। यार कुछ समझ में तो नहीं आ रहा मेरे को, बाकी मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पे काफी सारे टॉर्चेस प्लेस किए हुए हैं, यहाँ पे कुछ देखने को। ओए वेट 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 शिट, क्या सीन है यार, मैं तो ज्यादा सामान भी लेके नहीं आया, मेरा तो सारे पोशंस भी खत्म हो गए भाई। वार्डन का आवाज आ रहा है एंड मेरे ख्याल से यहाँ पे, ओ शिट भाई वो देखो वो देखो वो देखो भाई सामने वहाँ पे वार्डन है, वो देखो भाई सामने वार्डन है वहाँ पे। मतलब इस वाले एरिया में वार्डन का कोई सेंस बनता भी है कसम से भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। एक बार जाऊँ क्या मैं फट से एंडर पर मार के ना भागाऊंगा, नीचे कुछ है क्या? ओए ओए नहीं 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 भागो 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 भागो, रुको 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 रुको, एक सेकंड। शिट यार यहाँ पे वार्डन किसी ने डाला हुआ है, किसी ने यहाँ पे बुला कर रखा है। मेरे ख्याल से यहाँ से हमारा कोई, मेरे ख्याल से यहाँ से कुछ जाने आने का रास्ता स्टार्ट होता है। ओके एक काम करता हूँ, पहले ना मैं उस वार्डन को इस साइड में लेके आता हूँ एंड एंडर पर्ल मार के ना मैं उस साइड वापस जाता हूँ, फिर मैं कुछ वहाँ पर देख पाऊँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से वहाँ पर जो वार्डन है ना वहाँ पर उसको मेरे को वहाँ से हटाना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ अब मैं उस वार्डन को ले, अबे कहाँ चला गया? ओए नीचे दो, ओ शिट, ओ माय गॉड, वेट 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 वेट, अब मेरे को समझ में आ चुका है वहाँ पे दो दो वार्डन है एंड पता नहीं और कितने सारे वार्डन वहाँ पे हो सकते, क्योंकि मेरे को तो एक वार्डन पहले दिखा था बट अब मेरे को दो वार्डन वहाँ पे दिख चुका भाई। मेरे को यार उनको चकमा देना पड़ेगा, लाइक उनको इस साइड से इस साइड बुलाना पड़ेगा कहीं से एंड उसके बाद मेरे को वहाँ से निकलना पड़ेगा। या तो कैसे मतलब समझ नहीं आ रहा भाई कैसे जाऊँ, बाकी जाना तो मेरे को उसी रास्ते से, मेरे को जो समझ में आ रहा है यहाँ पे तो और कोई रास्ता है नहीं ना। नहीं यार वहाँ पे कुछ बना हुआ है, वेट जाऊँ क्या मैं यहाँ पे, चेक करते हैं क्या देखने को मिलता है हमें यहाँ पे। ओए शिट यार निकलो जल्दी निकलो जल्दी निकलो, मर जाऊँगा शिट। ओ यहाँ से ही है रास्ता, यहाँ से ही है, रुक जाओ उसके आसपास भाई, उस वार्डन के ना आसपास के एरिया से मेरे को निकलना पड़ेगा। पहले तो रोको, मैं पहले उससे जाता हूँ, यहाँ पे पहले वार्डन था, उससे चलते हैं। ओके लेट्स गो, मैं उस साइड से इस साइड में तो एटलीस्ट आ चुका हूँ। ओके लेट्स गो, देखते हैं भाई देखते हैं। ओए यार क्या है यहाँ पे, मॉब्स वॉब्स है क्या? रुक जाओ यार मेरे को चेक करने दो गाइस, यहाँ से ही रास्ता है वैसे तो। ओए नहीं यार इसी के नीचे है। एक काम करता हूँ रुको मैं क्यों इस रास्ते से जा रहा हूँ, मैं अगर खुद ट्राई करता हूँ ऐसे कहीं निकल सकते हैं यहाँ से। रुको बस मैं मरूँ ना। ओके मेरे को, ओ सामने वार्डन था मे बी वहाँ पे एंड ओए कुछ दिख रहा है मेरे को, व्हाट ओए व्हाट, ये क्या सीन है सामने कुछ है, आयरन के ब्लॉक्स लगे हुए, ये क्या सीन है भाई? ओए आर्मर है वहाँ पे, रुक जाओ क्या मतलब मेरे को वॉल्ट मिल गया है, व्हाट द हेक गाइस, चेक दिस आउट भाई, गोल्डन ब्लॉक, गोल्ड ब्लॉक, डायमंड ब्लॉक, नेदरराइट, ओ भाई यार एमरल्ड ब्लॉक, यहाँ पे कुछ विलेजर्स हैं, ये एमरल्ड ब्लॉक एंड यहाँ पे नेदरराइट के ब्लॉक्स एंड आर्मर है भाई तीन एंड इन चेस्टों के अंदर देखते हैं इसके। ओ भाई यार लूट देख लो भाई कसम से भाई, रुक जाओ पहले तो मैं इनको इधर डालता हूँ फटाफट से एंड चेक करते हैं भाई कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से आर्मर है, नॉर्मल आर्मर है या क्या है? अबे ये तो नॉर्मल आर्मर है, ये क्या सीन है भाई? रुको चेस्ट, अबे चेस्ट प्लस भाई क्या है ये, स्कैम है क्या? ओ तेरी भाई ये रहा ना इल्लीगल आर्मर, लेट्स गो भाई यहाँ पे मेरे को मिल चुका है भाई इल्लीगल आर्मर, लेट्स गो ये रहा गाइस मेरा यहाँ पे इल्लीगल आर्मर मेरे को मिल चुका है।
एंड भाई लेट्स गो, मैं फाइनली यार ये इवेंट जीत गया भाई, फाइनली मैं यहाँ पे गॉड एमसी का इवेंट जो है जीत चुका हूँ। लेट्स गो भाई, ये पूरा का पूरा इलीगल आर्मर है गाइस, लेट्स गो भाई। ओ तेरी भाई देखो, वेट ओए यहाँ पे एक स्वॉर्ड भी है, ओ मास्टर स्वॉर्ड, वे वे वेट 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 मास्टर स्वॉर्ड गाइस, लो 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 फटाफट से लो इसको एंड चेक दिस आउट गाइस, क्या टूल्स है ना भाई, मतलब स्वॉर्ड एंड ये आर्मर देख सकते हो भाई, क्या भयंकर आर्मर है। मास्टर हेलमेट, मास्टर चेस्ट प्लेट भाई, अत्ता इलीगल ब्रो, लेट्स गो। एंड यहाँ पे आप लोग टूल्स भी देख सकते हो, एंड भाई मेन चीज़ तो ये है कि जैसे मैंने आर्मर पहना है, मेरा जो है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्पीड भी थोड़ा बहुत बढ़ चुका है। एंड भाई हर्ट देखो, अच्छा जैसे मैं स्वॉर्ड लूंगा ना वैसे ही मेरे को यहाँ पे हर्ट मिलते हैं, ये देखो जैसे मैंने ये स्वॉर्ड लिया तो मेरे को यहाँ पे इतने सारे हर्ट मिलते हैं, जिसको मेरे को खा खा के ना हील करके इसको फुल करना पड़ेगा। और अब तो भाई मैं लाइक डेडलेस प्लेयर बन चुका हूँ भाई इस एमपी का।